आप बीच में दो बार इधर उधर जरूर हो गए थे, लेकिन अब कभी नहीं, फिर वहीं रहेंगे, अब इधर उधर नहीं। सीट वगैरह की बात के बारे में चर्चा करने का कोई तुक नहीं है, वो तो सब होगी ही और सब बात सबको उन लोगों को शुरू से मालूम है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पाला बदला तो बिहार में जो समीकरण है सियासत का वो बदल गया और अधर में फंस गई इंडिया अलायंस। बहरहाल इंडिया अलायंस दावे कर रही है कि अब हम और मजबूत हो गए हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के एनडीए के में जाने के बाद जनता सब कुछ समझ चुकी है। लेकिन नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद क्या सीएम नीतीश का कद अभी भी वही है, ये बड़ा सवाल है। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले सीएम नीतीश ने पलटी तो मारी, क्या अब उनको एनडीए में उतनी ही हिस्सेदारी मिलेगी जो 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली थी, ये बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार कमजोर हुए हैं ये भारतीय जनता पार्टी समझती है, और यही कारण है कि जब नीतीश कुमार महागठबंधन में गए तो नीतीश कुमार की नीतियों पर भारतीय जनता पार्टी ने ताबड़तोड़ हमले किए। नीतीश कुमार के साथ उपेंद्र कुशवाहा थे तो उन्होंने भी नीतीश कुमार को छोड़ दिया और अपनी नई पार्टी बनाकर वो एनडीए गठबंधन में आ गए। जीतन राम मांझी भी महागठबंधन में नीतीश कुमार के साथ तो गए, लेकिन नीतीश कुमार की स्थिति देख वो भी पलटी मारकर एनडीए में आ गए। लेकिन अब जब नीतीश कुमार वापस से एनडीए में आ गए हैं तो सवाल ये कि क्या 2019 के तर्ज पर ही नीतीश कुमार की जो हिस्सेदारी है वो एनडीए अलायंस में तय की जाएगी। दरअसल 17-17-6 का फॉर्मूला 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के अंदर तय हुआ था। 6 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी को लोकसभा की मिली थी तो 1 सीट उन्हें राज्यसभा का दिया गया था। ऐसे में अब जब 5 मुख्य घटक दल एनडीए अलायंस में है और नीतीश कुमार जिस परिस्थिति में एनडीए अलायंस का हिस्सा बने हैं तो क्या उनकी हिस्सेदारी उतनी ही होगी जितनी लोकसभा में थी। 17-17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड चुनावी मैदान में उतरी थी। 17 में 6-16 जो थे वो जनता दल यूनाइटेड ने जीते थे और 1 सीट किशनगंज की जेडीयू हार गई थी, वहाँ कांग्रेस को जीत मिली। वहीं 17 में 17 जो 100 का स्ट्राइक रेट था वो बीजेपी का रहा था। अब नीतीश कुमार क्या वाकई में कमज़ोर हैं, और अगर हैं तो कितनी सीटें जनता दल यूनाइटेड को इस एनडीए अलायंस में मिलेगी, और अगर नीतीश कुमार कमज़ोर नहीं हुए हैं तो क्या 17 सीट एक बार फिर जेडीयू के पाले में आएगी। बहरहाल पीएम मोदी से मुलाकात करने के बाद सीटों से जुड़ा सवाल जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई, क्या है यार भाई, हमारी मुलाकात हो गई प्रधानमंत्री जी से, क्या बातचीत हुई सर प्रधानमंत्री, क्या बातचीत हुई, और से भी मुलाकात हो गई और सब लोगों से बातचीत हो गई, और जो हम लोग एक साथ हुए थे तो वहीं से बात बात हुई थी, ये बात हो गई थी, आज सब लोगों से मिल लिए, बहुत अच्छा है। और अब आपको इतना ही खाली बता देना चाहते हैं कि अब हम लोग जो पहले से श्रद्धेय अटल जी के टाइम से, आप समझ लीजिए 1995 से जो साथ में थे, आप बीच में दो बार इधर उधर जरूर हो गए थे, लेकिन अब कभी नहीं, फिर वहीं रहेंगे, अब इधर उधर नहीं। अब बीजेपी जेडीयू के बीच में सब कुछ सही है सर, दोनों पार्टियों के बीच में जो थोड़ी बहुत नोकझोंक हुई थी सब कुछ सही हो गई। 2019 का ही फॉर्मूला रहेगा सर, 2019 चलिए सब बाद में बताएंगे, सीट जेडीयू बीजेपी में सब कुछ ठीक है ना। सीट वगैरह की बात के बारे में चर्चा करने का कोई तुक नहीं है, वो तो सब होगी ही और सब बात सबको उन लोगों को शुरू से मालूम है, बाकी सब चीज का कोई खास बात सर, नहीं तो आपने सुना नीतीश कुमार ने सीटों पर अपनी राय रख दी है और कहा है कि पहले ही सब कुछ जो है वो डील हो चुका है, उसके बाद ही वो एनडीए में आए हैं। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद बलि किसकी चढ़ती है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान भी इसी गठबंधन में हैं, और अगर पुराने फॉर्मूले पर नीतीश कुमार इस गठबंधन में आए हैं तो निश्चित तौर पर परेशानियां इन 3 छोटे दलों की होगी, और अगर नीतीश कुमार वाकई में कमज़ोर हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें कम सीट ही देगी।
ये सारी बातें देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल अब जब एनडीए अलायंस बन चुका है, नीतीश कुमार वापस से इसका हिस्सा हैं, ऐसे में क्या कुछ बिहार की सियासत करवट लेती है ये देखना भी दिलचस्प होगा। बने रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहे। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।